जैसा कि आपको हमारे हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल से जनाब मुनीर हुसैन साहब ने कहा कि आज हमारा आउटडोर एजुकेशन टूर है। बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि जिसको बच्चे किताब में पढ़ने के बावजूद भी उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या चीज़ है, कब समझ आएगी। तो इस कंसेप्ट को दूर करने के लिए हम बच्चों को मिडिल क्लास के बच्चे भी हैं और सेकेंडरी क्लासेस के बच्चे भी हैं, बच्चों को हम लाए हैं आउटडोर, यानी एक इन्वायरमेंट में, एक फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में हम इनको लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे, इन्वायरमेंटल टॉपिक पे और ज्योग्राफिकल टॉपिक पे या हिस्टोरिकल टॉपिक पे हम ज़रूर इनसे बात भी करेंगे और इनके कंसेप्ट खुद क्लियर भी करेंगे, ख़ास करके साइंस के बारे में, क्योंकि साइंस जंगलात के अंदर भी साइंस को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कंसेप्ट भी हम क्लियर करेंगे, जैसे कि फ्लावर्स मेल और फीमेल पार्ट्स कौन से होते हैं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये चीज़ें हम इनको हम डिस्कस करेंगे। देन हम कोशिश करेंगे इनको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से जो पार्टनर हैं उनकी जरूरत होती है। तो अब रुकते हैं यहाँ पे, रुकें तो बात यहाँ से शुरू करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम हेडमास्टर साहब इनको बताना चाहेंगे कि कोई भी प्लांट आप ले लो, यहाँ पर ये भी एक प्लांट है, क्या है ये? तो एक टॉपिक हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, क्या पढ़ते हैं? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने ही तरह के औलाद का पैदा करना, टू प्रोड्यूस द यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स मतलब औलाद, उन्हीं की तरह पैदा करने को कहते हैं रिप्रोडक्शन। और अगर दुनिया में अमले तोलीद या जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं वो ना हो तो निज़ाम एक साल के अंदर ख़त्म, जब तक हमारी उम्र है एक एक आदमी की ख़त्म, दुनिया ख़त्म। तो रिप्रोडक्शन की वजह से ये पौधे जो हैं बार बार आ रहे हैं, ठीक है ना। आप विंटर में देखते ही सूख जाते हैं और दूसरी बार देखोगे तो इसके साथ 10 और होते हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो हम क्लास में पढ़ते थे वो क्लास से बाहर आपको मैं समझा रहा हूँ। इसी तरीके से आप पॉपुलेशन देखें, 1947 में कितनी कम पॉपुलेशन थी, तो रिप्रोडक्शन से हमारी पॉपुलेशन जो है बढ़ गई। तो रिप्रोडक्शन ही दुनिया को आगे ले जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, बंदे से बंदा, जानवर से जानवर और पौधे से पौधा बन रहा है। लेकिन शर्त यह है कि रिप्रोडक्शन के लिए एनिमल्स में मेल और फीमेल की जरूरत है। लेकिन जहाँ तक पौधों की बात है, पौधों में मेल और फीमेल की भी ज़रूरत होती है। वो फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं, जो हमें अगर फ्लावर मिलेगा फील्ड में तो हम आपको बताएंगे मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स उसमें होते हैं। इसी तरीके से पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है ना, और कुछ एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो रिप्रोडक्शन की वजह से दुनिया कायम और कायम है, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे बच्चे, इसको यहीं रोक, अगर नेक्स्ट पढ़ेंगे।